अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों से अपने खाने की, रात के खाने की रूटीन शेयर कर रही हूँ। अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सपोर्ट मीन सपोर्ट आप इस तरह से करें कि मेरे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पूरा देखा करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन कोरमा और आलू मटर चिकन के कबाबी बनाए थे, जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। तो मैंने बना के पहले रख लिए थे, बस इसको फ्राई करना है। तो कोरमा मैंने जो बनाया था इस तरह से बनाया था। तो मैंने कोरमा जो है, प्याज को मैंने पहले से ही फ्राई करके दही में ग्राइंड करके पहले से रख लिया था। उसके बाद जो है मैंने लिया था चिकन, आधा किलो चिकन लिया था। उसी हिसाब से मैंने मसाले वगैरह इसके अंदर ऐड किए थे। तो मैंने जो है चिकन लिया, उस चिकन के अंदर मैंने अदरक लहसुन और साथ में मैंने ज़ीरा हल्दी नमक ऐड करके इसको 5 मिनट मैंने फ्राई किया था। तो साथ में मैंने मैक्रोनी भी बनाई थी। मैक्रोनी इसलिए बनाई थी क्योंकि कल रात की मेरे पास सब्ज़ी थी, तो मुझे लगा ये ख़राब हो जाएगी या ज़ाया हो जाएगी, तो इससे अच्छा है इसको किसी और तरीके से यूज़ कर लें। तो मैंने जो है मैक्रोनी बॉयल करके उस कल रात की सब्ज़ी को उसके अंदर, मैक्रोनी के अंदर ऐड करके मैंने मैक्रोनी बना ली थी। तो यहाँ पे मैंने चिकन को फ्राई कर लिया था। तो अब मैं डाल रही हूँ मसाले। तो मैंने डाला था कोरमा मसाला और साथ ही में मैंने लाल मिर्च और नमक डाला था। ये डालने के बाद जो है मैं चिकन को भून लूँगी, मतलब के मसाले जो मैंने ऐड किए थे उसको जो है 5-6 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी, पका लूँगी। उसके बाद जो है आप देखिए, मैं बताती हूँ। उसके बाद जो है मैं वो यही है कि प्याज और जो मैंने दही का जो मैंने ग्राइंड करके पहले से रखा हुआ था, फिर मैं वो जो है वो ऐड करूँगी। तो प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। आप लोगों में से ये कुछ लोग हैं जो मतलब मेरी वीडियो को पूरा नहीं देखते और स्किप करके वीडियो देखते हैं, तो मैं उनसे ये कहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा करें और सब्सक्राइब भी किया करें। और जिन्होंने नहीं किया हुआ उनसे कह रही हूँ कि सब्सक्राइब जो है प्लीज़ मेरे चैनल को करें। तो यहाँ पे जो है ना, मुझे कोरमा मसाले में ऑयल कम लग रहा था तो मैंने ऑयल डाला था। इस वक्त मेरे पास ऑयल नहीं था तो मैंने नहीं डाला। तो मैंने बोला किसी से तो वो लेकर आए थे, तो फिर मैंने ऐड कर लिया था ऑयल बाद में। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड कर लिया। अब इसको मैंने भून भी लिया है 6-7 मिनट, 5-6 मिनट के लिए भून कर मैं अब इसके अंदर ऐड करूँगी क्या नाम है, दही और प्याज का जो मैंने पेस्ट बना के रखा था वो ऐड करूँगी। ये ऐड करने के बाद जो है मैं इसे तकरीबन 9 या 8 मिनट तक इसको भूनूंगी। इतना भूनूंगी कि दही प्याज और मसाले में बिल्कुल पक जाए और इसका जो ऑयल निकल के आ जाए। जैसे ऑयल निकल के आ जाएगा तो हमारी चिकन होगी रेडी। अगर आपको लगता है कि चिकन ये सब ऑयल निकलने के बाद भी अगर चिकन कच्चा है, तो आप जो है उसको हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए जो है छोड़ दें ताकि वो पक जाए। तो मैंने जो है, मेरा चिकन तो ऑलरेडी पक ही गया था भूनने में, और उसमें देखें आप देख सकते हैं कि मेरी जो कोरमा है वो हो गया रेडी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो अच्छी लगी हो तो मैं उनसे यही, आप लोगों से यही कहूँगी कि आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने मुझे अब तक सब्सक्राइब किया उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।